फिल्म का एक भाग हूँ। मेरा कैरेक्टर है इसमें एक कॉलेज स्टूडेंट, एक टपोरी जैसा रहता। बस कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को काम करने के लिए अच्छा लगता है। मेरा नाम है अनिल, मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, टपोरी कॉलेज स्टूडेंट का टपोरी रोल है मेरा। रूपाली कॉलेज गर्ल। मैं जोगेंद्र ठाकुर, बॉम्बे हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ और इस फिल्म में एक अच्छी तांत्रिक बाबा जो एक पॉजिटिव वे से इस फिल्म में काम कर रहा है, उस किरदार को मैं निभाना चाह रहा हूँ और निभा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी तांत्रिक विद्याएं हैं, ये एक लिटिल ट्रेडिशन यानी कि जो छोटे समाज हैं उनसे ज़्यादा कंसर्न रखती हैं। ग्रेट ट्रेडिशन जैसे कि इंग्लैंड है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, इनसे कंसर्न कम है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न जो है लिटिल ट्रेडिशन से होती है। सर हमारे डायरेक्टर हैं सवीर जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनके साथ में काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्रोड्यूसर हैं अरमान जी, जिनके साथ हमें एक फैमिली मेम्बर जैसे मिलकर काम किया। इनके साथ इन्हें तो कई एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े पिक्चर के, भोजपुर में टॉप अच्छे अच्छे मूवीज़ किए हैं, 10-12 साल के एक्सपीरियंस है DOP में। और क्या इनके, और ये हमारे में देखिए मूवी कोई भी हो अच्छी बननी चाहिए, और क्या करना, काम करते हैं और सब लोग काम कर लेंगे। जो हम मूवी में काम कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट कुछ डिफरेंट है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इन थिएटर्स व्हेन इट विल कम। मूवी के बारे में मतलब अभी जो डायरेक्टर साहब हैं, हमने मतलब फर्स्ट मूवी हमारी, तो उन्होंने मुझे भी थोड़ा सपोर्ट किया और अच्छा एक नया मूवी नए जनरेशन के लिए एक अच्छी मूवी है। हाँ, हॉरर का कहानी है, तो आप पब्लिक हाँ देख लीजिए, देखने लीजिए। ओके, थैंक यू। ये मूवी बहुत हॉरर है, जैसे इसकी स्टोरी सब मूवी से अलग है थोड़ी। नैना संतोष गायकवाड़। पायल संतोष गायकवाड़। संतोष गायकवाड़। अभी फर्स्ट टाइम है बच्चे लोग को इसमें डाल गया, अभी कभी तो अपन इसमें लिया नहीं इंटरेस्ट, लेकिन वो अभी कुछ नहीं चाहिए। यस यस, बहुत अच्छी मूवी बनेगी जी। डायरेक्टर हमारे पुजारी साहब बहुत अच्छे हैं और सिमरन जी बहुत अच्छी हैं, बहुत रेगुलर प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बनाती रहती हैं और उनकी हर फिल्म पूरी होती है और रिलीज़ होती है, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं पुजारी साहब की तो क्या तारीफ़ करूं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और जिस तरह से ये अग्रसर हैं अपनी कामयाबी में और बढ़ते जाएंगे और बड़ी बड़ी फिल्में करेंगे डायरेक्ट, मेरी शुभकामना है इस फिल्म के लिए भी और यूनिट के लिए, आप लोगों के लिए, सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। बस रमेश जी आए हमारे मुहूर्त में, हम उनके शुक्रगुजार हैं और आप लोग का भी शुक्रगुजार है कि आप हमारे मुहूर्त में आके हमारा इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं। बस इतना है कि हमारी मूवी सक्सेस हो जाए, बस इतनी मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। ट्राई करेंगे जल्द से जल्द मूवी हमारे। और मैं मेन भूमिका माँ की कर रही हूँ, मेरी बेटी मीरा है हीरोइन, उसके मेन हीरोइनी का माँ का रोल मैं कर रही हूँ, करुणा पांडसरे, और हमारा प्रोडक्ट का नाम है शान प्रोडक्ट्स। मैं प्रिया गायकवाड़, और मुझे मौसी जी का कुक का रोल दिया है कि जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, और ऐसे कुछ घटनाएं वहाँ पे जो घटती है वो वैसे ही मेरे ऊपर भी एक घटना घड़ी है, इसके आधारित एक पिक्चर रखा है, बहुत ही अच्छा पिक्चर है, और देखो और मुझे देखिए हमारा पिक्चर। और थैंक यू, मैं प्रिया गायकवाड़। नमस्कार, मैं हूँ जटाशंकर सिंह और हम आज खड़े हैं मढ़ के मनीषा बंगलो में, यहाँ पे रूहानी रात फिल्म की मुहूर्त हुआ है और यहाँ पे फिल्म के स्टार कास्ट सभी मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे ये फिल्म का बनाने का ध्यान कैसे आया आपके दिमाग में, और ये फिल्म जो हॉरर बना रहे हैं काफ़ी डरावनी है, तो फिल्म आने के बाद कैसे हंगामा करेगी? इसके पहले रामसिर ब्रदर फेमस थे हॉरर मूवी बनाने के बारे में, और आप हॉरर मूवी बना रहे, आपकी सैफ जो प्रोडक्शन है बना रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस मूवी के देखो ज़्यादातर मैं स्टोरी को डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ कि जैसे आजकल जो हो रहे हैं महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहे हैं और वो मैटर को दबा दिया जाता है, तो बस ये उस महिला की कहानी है जिसके साथ कुछ गलत होती है और वो किस तरह एक रूम में आके किस तरह अपना ये करते हैं, और एक बच्ची की तड़प बताई है। तो इसमें जो स्टार कास्ट है हमारे सब है,
और उसमें कॉलेज के सीन्स है, स्टोरी भी बताया, एक रोमांस सीन है, रोमांस है इसमें, एक थ्रिल है, सस्पेंस है, सब कुछ है। जैसे इसमें हमारे लीड्स में हैं, ये हमारे जैसे आत्मा के रोल में है, जो है जो रूह के मेन लीड जो है ये मृदुला। रूहानी रात जो मूवी है काफ़ी हॉरर है, ये आत्मा है जो सबको डराती है, तो रूहानी रात का जब रोल कर रही हैं, करेक्टर कर रही हैं, तो कैसा महसूस होता है, सेट पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पहले से हॉरर मूवी देखने के लिए और उनकी तरह महसूस करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और थिएटर से निकलने के बाद कहीं दर्शक डरेंगे नहीं, जैसे राम से बदर की हॉरर मूवी देखते हैं और डरते हैं? डरेंगे, हॉरर है तो डरना तो पड़ेगा ही ना। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक को, जो दर्शक हैं आपको फिल्म देखने? इतना ही, मतलब कुछ खास नहीं बता सकती मैं इसे थोड़ा। मैम क्या कहना चाहेंगी आप, स्टोरी अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये कितनी डरावनी है कि आने वाले समय में जब प्रदर्शन होगी तो सिनेमा घरों तक दर्शकों को खींच कर लाएगी? बहुत डरावनी, जो पब्लिक देखने जाए और चार दिन सोए नहीं। देखा, स्टार कास्ट यहाँ मौजूद हैं जो फिल्म के रूहानी रात के, सभी लोगों का एक कहना है, ये फिल्म राम से बदर्स की जो फिल्में थी उससे कहीं ज़्यादा डरावनी होगी, और दर्शक जब सिनेमा घरों से निकलेंगे तो फिल्म की चर्चा करते नहीं थकेंगे। कैमरामैन बंटी सिंह के साथ जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।